Hey everyone, my name is Hitesh and welcome back to the brand new video of our channel. तो भाई सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू सो मच, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, यही रीजन है जो मोटिवेशन लेके आता है कि मैं आपको ट्रेंडिंग टॉयज की वीडियो दिखाऊं और कुछ ऐसे टॉयज की वीडियो दिखाऊं जो आपके लिए यूनिक हो। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ डक फीडिंग गेम को। इसका कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है और सबसे अच्छी चीज है कि ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि एक तरीके की गेम है और ये गेम को आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खेलते हो। इसका नाम है डक फीडिंग गेम। इस गेम में आपको डक को फीड कराना है बॉल को शूट करके। अभी आपको किस तरीके से करना है और इसके क्या रूल्स है उसकी हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाई फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपनी अनबॉक्सिंग और उसके बाद करेंगे इसका रियल टाइम रिव्यू। तो हमने कर लिए इस डक फीडिंग गेम का अनबॉक्स और इसमें मिलती है एक ये डक और साथ में मिलती है हमें एक ये ब्लास्टर गन जो कि विदाउट बैटरी चलती है, इसमें कोई बैटरी नहीं डलती है। और हमें मिलती है इस तरीके की 12 बॉल्स, काफी लाइट वेट है। इट मींस कि अगर ये किसी को लगती है या आप किसी को मार देते हो तो उसको कोई हार्म नहीं करेगी। तो हम कर लेते हैं पहले इसे साइड और बात कर लेते हैं इस डक के बारे में। डक बहुत ही क्यूट है, इसका साइज होगा 9 से 10 इंच। यहाँ पर आपको ऑन और ऑफ का बटन मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी पेट में आपने एक्चुअली में कितनी बॉल्स डाली है और पीछे बैक साइड से आप उन बॉल्स को निकाल भी सकते हो। एक्चुअली में जो इसका बटन है ये ऑन ऑफ का, यही बटन है रीसेट का। यहाँ पर नीचे आपको एक बैटरी कंपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आप 3 AA बैटरीज डाल सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से प्लेस करनी है और आप इसे यूज कर सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इस गन के बारे में। जो इसमें स्कोप है वो डिटैचेबल है, आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो और आप वापस भी लगा सकते हो। इसको रखने का ये फायदा है, आप चाहो तो इसके अंदर आप जो इसके साथ में बॉल्स मिलती है आप उसे स्टोर कर सकते हो, तो इसमें 5 से 6 बॉल्स आ जाएंगी और यहाँ पे बंद करके रख सकते हो। इसे जो यूज करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। आपको जब भी इसमें बॉल लोड करनी है तो आपको इसमें इस तरीके से फ्रंट से करनी होगी, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 आप चाहो तो इसमें 10 से 12 बॉल्स एक साथ भी लोड कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप आधी बॉल्स यहाँ पर लोड कर दो और जो आधी बॉल्स है वो आप इसके स्कोप में स्टोर कर सकते हो। क्योंकि इसमें बैटरी यूज नहीं होती है इसलिए ये एक तरीके की एयर ब्लास्टर है। जो इसका फ्रंट वाला हैंडल है वो मूवेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना, हल्का सा इसे आगे की तरफ टिल्ट करना है और आप इसे बाहर की तरफ खींचोगे और जैसे ही अंदर की तरफ पुश करोगे तो ये इस तरीके से बॉल शूट करेगी। एक्चुअली में इसका वही तरीका है जैसे आप वाटर गन चलाते हो अंदर और बाहर करते हो, तो उसको भी वैसे ही चलाना है। यहाँ पर आपको स्कोरिंग दिखाएगा 0-0, इट मींस कि गेम स्टार्ट हो गई है, अभी तक से कोई स्कोर नहीं हुआ है। तो जब आप उसे शूट करोगे तो वो डायरेक्ट जाएगी इसके मुंह में और यहाँ से जब इसकी टंग से टच करेगी तो इस तरीके की स्कोरिंग होगी और वो बॉल अंदर जाएगी। जो ज्यादा स्कोर बना पाएगा वो होगा विनर। राइट नाउ हमारे पास एक गन है तो हम इसका एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं और मैं देख लेता हूँ कि इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि मुझे ये कैसी लगी और इसे खेलना आसान है या मुश्किल। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी बॉल अंदर क्यों नहीं जा रही है, मेरी बॉल बार बार अंदर जाके बाहर क्यों आ रही है। उसका रीज़न है कि मेरे पास जो रूम है वो काफ़ी छोटा है, तो मैं अभी इस टाइम पे 5 से 6 फुट की दूरी पे हूँ इस डक से, जो मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि 5 से 6 फुट इस डक के साथ खेलने के लिए इनफ है। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो करूँगा मैं 10 फीट, कम से कम 10 फुट की दूरी होनी चाहिए गन में और डक में, तभी आप इस गन से शूट करा के इस डक को फीड करा सकते हो। और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, आप चाहो तो इसको 20 फीट तक ले जा सकते हो, यानी कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप 20 फीट रख सकते हो। तो
भाई दूसरी चीज ये कि इसके अंदर मैं बॉल डालते डालते थक गया हूँ, जितना इजी सोच रहा था ये उतनी इजी गेम है नहीं। एक्चुअली में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आप भी समझ लो, उससे आपको इजी होगा कि आपको मिलेंगे 12 चांसेस, यानी कि प्लेयर 1 को भी मिलेंगे 12 चांसेस और प्लेयर 2 को भी मिलेंगे 12 चांसेस। जो प्लेयर 1 होगा वो 12 टाइम्स शूट करेगा इस गन से, और इस गन से उस बॉल को इस डक के मुंह में डालेगा। जितना भी जो स्कोर होगा टोटल जो 12 चांसेस में बनेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मान लो किसी का बनता है 10 और जो सेकंड प्लेयर है उसको भी 12 चांसेस मिलेंगे, वो कितनी शूट कर पाता है और उसके बाद जो उसका स्कोर होगा उन 12 चांसेस के बाद वो होगा उसका फाइनल स्कोर। दैट मीन्स कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसके पेट में कितनी बॉल्स डाल रहे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि यहाँ पर कितना स्कोर है, जिसका भी ज़्यादा स्कोर होगा वो होगा विनर। अब ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है कि जब भी मैं इस बॉल को शूट कर रहा हूँ इस गन से, तो बॉल अंदर तो जा रही है, यहाँ पर स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो अंदर जाके बाहर आ जाती है। तो अगर हम सिर्फ बॉल्स को अंदर डालने की कोशिश करते रहेंगे तो गेम बहुत लंबी हो जाएगी, तो उस गेम का जो मज़ा हो जाएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया वो यही आया कि आपको मिलेंगे 12 चांसेस, उन 12 चांसेस के अंदर आप यहाँ पर कितना स्कोर बना पाते हो वो होगा आपका फाइनल स्कोर, और उसी से ही विनर डिसाइड होगा कि फर्स्ट प्लेयर विनर है या सेकंड प्लेयर विनर है। एक चीज और बताने वाली है इस गेम के बारे में कि बहुत से लोगों के दिमाग में होगा कि एक्चुअली में इसका जो ये सेंसर है वो कैसे काम करता है, तो मैं बता दूं इसका सेंसर बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप इसको यहाँ से टच करते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा, और इस सेंसर की मैं आपको सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मतलब कि जो इसकी वर्किंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि ये मिस कर जाएगा। हो सकता है 1% ये मिस भी कर जाए, लेकिन आपको खेलने में बहुत मजा आएगा, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। तीसरी चीज़ ये, आपको ये गेम को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये गेम बहुत ईजी है, इसमें करना क्या है, इसमें शूट करना है और डक को फीड करना है, बट एक्चुअली में ये उतनी ईजी नहीं है क्योंकि इसे आप दो हाथ से चलाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, और इसलिए आपको इस डक फीडिंग गेम में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। म्यूजिक की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल म्यूजिक है, आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा। जब भी बॉल उसके मुंह से उसके पेट में जाएगी सिर्फ तभी म्यूजिक बजेगा, और बहुत छोटा म्यूजिक बजेगा। पर एक ही चीज की मुझे थोड़ी सी कमी लगी वो ये कि इसके अंदर मिली हमें एक गन, इट मींस कि एक टाइम पे एक ही कोई खेल सकता है। अगर इसके साथ मिलती दो गन्स तो दो लोग इकट्ठे एक छोटा सा कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसके ज्यादा बॉल्स अंदर जाती वो होता विनर। लेकिन 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 अगर आप चाहो तो इसे मार्केट से भी खरीद सकते हो, ये आपको 300 से 400 रुपए में इजीली मिल जाएगी। मैं ये एक फोटो डाल रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो, और आप मार्केट में किसी भी टॉय वाली शॉप से ले सकते हो, आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। माय नेम इज हितेश एंड यू गाइस आर वॉचिंग टॉयज गुरु। अगर आपको ऐसे टॉयज की अनबॉक्सिंग देखना पसंद है और ट्रेंडिंग टॉयज के बारे में जानना पसंद है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना पसंद है, शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है और नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्यून्ड।